नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों की तरफ। जनपद आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आगरा थाना बसई अरेला क्षेत्र का मामला है। मानव तस्करी गिरोह का आगरा पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसमें 9 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। 3 युवतियां बरामद की गई हैं। अन्य जनपदों से तस्करी कर लाई गई थी युवतियां। झारखंड की एक युवती सोनभद्र एवं मध्य प्रदेश की एक एक युवती को बरामद किया है। देह व्यापार के लिए खरीद कर लाई गई थी युवतियां। कल हमें एक मिशन मुक्ति फाउंडेशन एक NGO द्वारा सूचना मिली थी कि बसई अरेला क्षेत्र में, स्पेशली जो अरनोटा चौकी क्षेत्र में, लड़कियों को अवैध रूप से ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जा रहा है करके। तो तत्काल पुलिस अपना बैरिकेडिंग करा के गाड़ी को रोका गया है। तो उसमें 3 लड़कियां जो अलग अलग जगह की हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश और सोनभद्र ज़िले अपना उत्तर प्रदेश में, तो वहां की लोग बरामद हुए हैं। और उसमें जो गाड़ी में बाकी लोग जो मुजिम हैं, उन लोगों से बातचीत किया तो पूछताछ करने से ये पता चल रहा है कि ये सोनभद्र क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति मुन्नालाल अपना बा आगरा क्षेत्र का रहने वाला है। सो इन लोगों को पूछताछ कर और गिरफ्तारी करके विधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तरीका सर क्या है गिरोह का, किस तरीके से उन लड़कियों की खरीद फरोख्त करते हैं? जनरली ह्यूमन ट्रैफिकिंग 3 कंडीशंस में होती, 3 तरीके से होता है, तो 3 भाग होता है बल्कि। तो पहली बात सोर्सिंग करना, मतलब लड़कियां कहां से मिलना है, मतलब ये पिकअप करना है, सोर्सिंग, ट्रांसिट मूवमेंट करना, और यहाँ डंप करना, मतलब जहाँ लिया जहाँ बेचना है या कहीं बेच देना है आगे। वो काम 3 भागों में होता है। इन 3 भागों में यहाँ की जो आगरा में मुन्नालाल है, जो बाग क्षेत्र का रहने वाला है, सो ये काम, ये लोकल का काम मुन्नालाल देखता है। ट्रांसिट का काम इसमें एक रमेश करके व्यक्ति है, इन्होंने लोगों को मूव करने का काम इनका है। और वहाँ जो महिलाओं को बहला फुसला कर या उठाना और वहाँ लड़कियों को इस तरह से ट्रैप करना, ये काम प्रेमा देवी पत्नी लाल बहादुर और आशा पत्नी अमित, ये दोनों महिलाएं करते हैं। तो इस तरह से ये लोग अपना काम आपस में बांटते हैं और लड़कियों को यहाँ लाते हैं। और यहाँ चाहे शादी का नाम पर हो या तो कहीं और घर पर काम करने का नाम पर हो या तो प्रोस्टिट्यूशन के भी हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो आगे बढ़ा देते हैं। क्या बताना सर, तक 3 लड़कियों की तस्करी कर चुके हैं? फिलहाल हम 3 लड़कियों को बरामद किया है और पूछताछ किया जा रहा है। विवेचना के दौरान हम और इस तरह की क्या इनका कार्रवाई है, पूर्व में कितने लड़कियों को बरामद, मतलब इस तरह से बेच दिया या ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया है, वो हम पता करेंगे। कितने जनपदों में सर नेटवर्क इनका कहां कहां फैला हुआ?